अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी हूँ ठीक ठाक अल्लाह के फजल और करम से। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तो चले मैंने कहा मैं व्लॉग भी साथ स्टार्ट कर लूँ, तो आइए चलते हैं डॉक्टर के पास। अच्छा जी, आज है हमारे भाई और भाभी की एनिवर्सरी और हम निकले हैं डॉक्टर का बहाना बना के कि हम ना ज़रा डॉक्टर से आएँ, और मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन वो हैरान है कि ये चंगी भली है फिर भी है, कोई पता नहीं चलता। तो अब आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कोई अच्छी सी चीज़ मिले और रात को 12 बजे हम उनको गिफ्ट देंगे, और क्या सरप्राइज़ होगा अगर हम रात को निकलते तो उनको पक्का पक्का ना शक पड़ जाना था। तो अभी के मैंने भाभी का कोई ड्रेस नहीं बनाया हुआ, स्टिच भी नहीं करके दिया, और वो अंदर ही अंदर आज उसको गुस्सा भी चढ़ा हुआ है मेरे पे, और उसको बताना भी नहीं है। तो देखो क्यों होता है, बच्चों ने पैसे दिए हुए थे। तो ये माई हूँ अभी स्वीटर की दुकान पर, वो सामने वाला स्वीटर मुझे अच्छा लग रहा है, देखिए आप स्वीटर दिखाइए ज़रा, ऐसे थोड़े पीछे वे ग्रीन वाला, ग्रीन वाला सिर्फ एक ही कलर है। हाँ जी भाई, सिर्फ एक ही कलर है, वही हमने ग्रीन कलर का ही स्वीटर ले लिया। चीज़ अच्छी होनी चाहिए जो दिल को भाए, बड़े बड़े अच्छे स्वीटर हैं इधर। तो ₹5000 नहीं, ये चीज़ खरीद लिया, अब हम जाने लगे हैं तू साले प्रिंस, या वो कह रहे हैं यहाँ टोनी शाल वालों से या गोगो वालों से। तो ये इधर जाएं आप, तो आगे गली या गोगो वाले हैं उधर से। अरे आवाज वाले तो टोनी शॉप से आ रहा है। अरे वेट ही बहुत ज़्यादा, वो जो मांगते हैं वो बहुत मुश्किल है। अभी तो वेख लो लेडीज, ये वाकई हाँ मैन वेयर ही है। क्या प्राइस है इसकी? अच्छा जी, लियाकत वालों से हमने ये तुस्सा यानी कि मैन शाल हमने खरीद ली है, और इसका डिब्बा शिब्बा हमने उधर ही फेंका है, हमारे भाई को पता ना चले कि इसकी प्राइस क्या है। कलर हमें मिल गया, और ये मैं आपको बताऊंगी, ये सस्पेंस है कि ये कलर हमने क्यों लिया है। और अब हम जा रहे हैं आगे, और रास्ता है बंद, तो चलो इधर मैंने देखा है एक वेलवेट में लहंगा, ओह हो प्रिंस तुम्हारी बोटी के लिए होगा, वेलवेट में लहंगा था जी, क्या बात है, रेड कलर का। ये तो बाजी कुछ और पा के खलोती है ना, वो रेड सी और वेलवेट में था, कमाल का। रश है, बहुत ज़्यादा रश, इतना ज़्यादा रश हो गया ना, और हम लोग कपड़े देख देख के खुश हो रहे हैं, साड़ी कितनी ज़बरदस्त है। ये जिनके घर शादियां हैं डिज़ाइनिंग देख लें, साथ रश भी देख लें। जब तुम्हारी शादी होगी हमने तो नहीं इधर से शॉपिंग करनी, तो वही तो वह पहले ही शादी तैयारी शुरू कर देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इतने ज़्यादा रश से ना मैं पैदल जा रही हूँ, इतना रश ऐसे जैसे पुलिस रात से गुजर के जा रही हूँ। भाई को मैंने रश में खड़ा किया, मैंने कहा तुम आ जाना उधर शॉप पे, और इधर मैं आ गई हूँ जिधर से हम कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं। भाभी का ने लगी हूँ फैंसी किस्म का ड्रेस, और मेरा दिल कर रहा है कि इस दफ़ा ना वो फैंसी पहने, बिल्कुल नॉर्मल सी हम शलवार सूट पहनते हैं, और कभी भी उसने ना इस तरह के कपड़े नहीं पहने। तो इस दफ़ा मैंने जानबूझ के उसको कपड़े स्टिच नहीं करके दिए, कि मैंने पहले से जेन बनाया हुआ था कि उसके लिए ना मैंने कोई फ़्राक श्राक परचेज़ करनी है,
वक़्त से पहले ही वो ना अपने आप को बड़ी बनाने लग गई है। अभी हम जिंदा है ना, हम बड़े हैं ना, वो बच्चों वाले जेन में रहे। तो ये मैंने जी सब में से मुझे ये पसंद आई, एक तो इसकी लेंथ भी बड़ी अच्छी थी और फ्रॉक खुली भी थी मुझे इसकी, यानी कि वेस्ट भी इसकी ठीक थी और लेंथ भी ठीक थी, छोटे छोटे हम पहनते नहीं हैं। और इसके साथ सिर्फ जो ट्राउज़र है ना वो मुझे पसंद नहीं आया, वो कपड़ा नहीं था ठीक है, मैंने कभी पहने, बाद में मैं इसके नीचे ना इसको शलवार बना दूँगी या ट्राउज़र बना दूँगी पोत का। तो ये है जी इसके साथ दुपट्टा, मुझे यही कलर पसंद आया, एक ही उनके पास पीस था और हम तीन अदर जनानियाँ थीं जो इसके ऊपर आँख लगाए बैठी थी। और मैं पहले ही कह फौरन ही मैंने पैसे हाथ में पकड़ा दिए। इधर ये हुआ कि मैं उसके साथ ना बार्गिंग नहीं कर सकी कि भाई ना ले लो तो आने ले लो। ये भी ये वाला जो है ना ये मुझे पसंद आया था, एक या ये इसको डिसाइड किया एक वो पिंक वाले को, लेकिन इसकी वेस्ट जो सी है ना वो नहीं थी मेरी भाभी को पूरी आनी ना। मैं कहती थी खुला खुला हो और बंदा कम कर सकता है, लेकिन कम हो उसको चोरा नहीं कर सकता ना, तो लिहाजा मैंने वो काट लिया। दो अदद औरतों ने बड़ी कोशिश की कि वो ले लें। फिर इसके बाद मुझे ये वाला कलर बड़ा पसंद आया, उसके साथ ही है जो वो भी बड़ा पसंद आया। लेकिन जो ये पीस हैं ये शर्ट पीस थे, शर्ट पीस छोटे थे और इनके साथ ना जो शलवार या ट्रोज़र हैं वो मज़े के नहीं थे। लेंथ भी होनी चाहिए अच्छी खूबसूरत सी, क्योंकि ये तो नहीं ना कि एक ही दफ़ा आपने इवेंट पे पहनना है और बाद में आपने चुक के बाहर सूट देना है। तो मैक्सिया उसने पहनी नहीं थी, सो मैंने बड़ा सोच समझ के ये डिसाइड किया, आप अल्लाह करे कि उसको पसंद आ जाए और वो उसको जब वियर करे और बड़ी खूबसूरत सी ब्राइडल सी लगे और मेरा भाई वेख वेख के खुश हुए और माशाल्लाह माशाल्लाह हम करें और अल्लाह ताला उनकी जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे, खुश रहे, मुस्कुराते हुए रखे, मैं इनको अपनी आँखों से ऐसे ही फलता फूलता देखूं और खुश रहूं, खुश ये रहे, आमीन। इधर आया तो ये मुझे पसंद आया, लेकिन इसकी वेस्ट जो शाल है ना मेन शाल, मैंने कहा नहीं भाई इसके साथ ये पठानी टोपी लेने के लिए ठीक है। और अब इसके साथ हमने यस यस बहुत शुक्रिया हान भाई, भाभी के लिए भी हमने ड्रेस ले लिया है ठीक है। और इधर हमने इस दुकान से खरीद लिया जी टोपी, खान साहब तो रेट ही बड़े अप दस रहे हैं। वो भी दिखाया हाँ भा वो भी पहनता ना, नहीं नहीं इधर फेस करो, अच्छी लगी है, बाल नहीं खराब होंगे, शीशा फ्री है साथ भी ले हाँ बच्चा तो तैयार हो गया, इधर फेस कर हाँ। हम आए हैं जी मौसमी और माल्टे का जूस पीने और बड़े छुपा के मुझे खड़ा किया गया है, इधर ही मेरे भाइयों का कारखाना है और मुझे साथ गालियां पाड़ियां, तू ऐसे क्यों आई है दिन दे टाइम। अच्छा किसके साथ ऐसा ऐसा होता है, हम लोगों को तो आज तक हमने अपना कारखाना नहीं देखा, नहीं मौसमी और माल्टा दोनों। और इधर हम खड़ने लगे हैं, तुम उन्होंने कहला जल्दी जल्दी पी लो, ऐ हुंदा जे हाल आधा मैंने गिरा दिया और आधा मैं पी रही हूँ, जल्दी जल्दी पी जल्दी जल्दी, पता नहीं इधर क्या आया कि जल्दी जल्दी पी और इधर से निकल, दसो यार हाथ दे भाई, पता नहीं हमारे घर वालों को क्या होता है ना, दिन के टाइम इधर गुजरना ना शाम के टाइम, और मेरे ऑफिस में तो सारे हैं, मुझे तो फ़ख्र होता है, खुद मज़े से पी रहा है और ये देखें और मैंने पी के रख भी दिया हुआ है। नहीं ऐसे जनानियाँ का आना मना, तो हम दे आए हैं जी पैकिंग के लिए, क्यों है और क्यों बंद, अगर सीमी पूछेगी ना इतनी देर किधर हो तो बात सुनो, बोला क्या कहना बाजी समीर ने बुलाया हुआ था ठीक है, चलो देते हैं बैल क्या बनता है, मुझे तो लगता बैल बत्ती गई है, चलो लाइट ऑफ हो हाँ लाइट ही गई हुई, हम तो उधर गए हुए थे भाई समीर आ गए थे रखो वह है भाई और भाभी की एनिवर्सरी और हम बाज़ार गए हमें कुछ भी नहीं मिला तो लिहाजा हमने इनके लिए फ्रेंगोज में बुफे रख दिया है ठीक है। तो तुसी दोनों ने ठीक है सीमी नहीं 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 इमरान तू 1 बजे आ जाना है और सीमी नाल लै जाना है और एक तो लैके 3 बजे तक तुसी दोनों ने बुफे करना ठीक है और तुसी दोनों ने कल्या जाना, कोई बच्चा खबरदार मैं देखा नाल गया समझ आ गई, कोई बच्चा नहीं जाएगा असी मोटरसाइकिल ते पीछे आवांगे, शादी का लहंगा एंड शादी का शादी की गल करनी करन दे, शादी दा लहंगा
शादी का लहंगा पहनेगी? नहीं नहीं, सिमी का मैं ड्रेस बनाने लगी, जो पा ने लेके दिया ना वो मैं सिमी का बनाने लगी हूँ। वो स्पाइड का वो मैं सूट वो पड़ा हुआ है, शिलिंग किया हुआ, वो मैं इसका स्टिच करने लगी हूँ। नहीं 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 दोबारा भी नहीं मना करा दी। ना ना सलामी देनी पैनी है, ऐ ते 3,000 ची जान छुटेगी तो सलामी देनी पैनी है। नहीं भी इतना बदतमीज है भाजी, मेरे तो का मेरे एनिवर्सरी का नहीं मेरी शादी है, कहता मेरी अभी शादी नहीं है इसलिए ये काम नहीं मेरे रखा। चलो सही है, ठीक है पा पा पा, कल तुमने आराम से आना और बच्ची को लेके जाना। ना 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 ये अपने ना ये कर लो तुम, क्या कहते हैं शेव शूव और बात सुनो। हाँ बस ठीक है। नहीं 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 तुसी कदी भी नहीं कर लेगे, सही गल है। ना 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 बस कह छ रिया साडे दुआ वालों मसीद। नहीं 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 कोई ज्यादती नहीं, कोई ज्यादती, तुसी दूना ने जाना है और इमरान तू फिकर नहीं करना, पीछे तेरी भैन आप मोटरसाइकिल ते आएगी। असी मैं सारे बच्चे लैके मोटरसाइकिल ते आ गई। नहीं नहीं तुसी बुफे करना, घर दिखांदा रहंदा बंदा।